सभी किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग रेडर में। किसान मित्रों, दिनांक 18 फरवरी 2022 वारे शुक्रवार, समय हुआ है किसान मित्रों 2:15। बात कर लेते हैं किसान मित्रों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइथरा मंडी की। इंदौर की चोइथरा मंडी में किसान मित्रों तीनों जिनसों की कितनी आवक देखने को मिली है हमें आज हाल फिलहाल अभी, और तीनों जिनसों का क्या रेट निकल कर आया है, कितनी उठापटक देखने को मिली है किसान मित्रों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे और भी अन्नदाताओं को जानकारी शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं, यानी कि मेरा जो वीडियो कोई व्यक्ति पहली बार देख रहा है, तो उनसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल कलर की घंटी का बटन है उसे दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरे सभी जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवक की। लहसुन की अगर मैं बात करूं, आवक की 19 से 20 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है, लहसुन नई पुराने दोनों मिला के। आलू की अगर मैं बात करूं तो आलू में किसान मित्रों 65 से 70 हज़ार कट्टे की आवक देखने को हमें मिली है, यानी कि बम्पर आवक है आलू की आज इंदौर मंडी में। बात करते हैं प्याज की। प्याज में भी बम्पर आवक देखने को मिली है, 34 से 35 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है हमें आज प्याज में। 30 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है आज, और 4 से 5 हज़ार कट्टे का बैलेंसिंग माल पड़ा हुआ था कल का पहले का, वो टोटल मिला के 35 हज़ार। अब बात कर लेते हैं आज के भाव की। भाव कुछ इस प्रकार है किसान मित्रों। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आलू से। आलू में करीब करीब 1 से 1.5 रुपये की हमें आज भी तेज़ी देखने को मिली है। गुल्ला बिक रहा है 2 रुपये से लगा के 6 रुपये। सुपर 6, 3797, ख्याति, पुखराज, ज्योति 4 रुपये से लगा के 8.5 रुपये। ज्योति बेस्ट क्वालिटी का जो ज्योति है वो 4 रुपये से लगा के 11 रुपये, 11.5 रुपये, 12 रुपये तक पहुंचा है। LR चोना चिप्स ATL की अगर बात करें 7 रुपये से लगा के 11 रुपये। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में स्थिरता है कहीं ना कहीं। लहसुन की अगर मैं बात करूं तो लहसुन में 4 से 5 हज़ार रुपये का मंदी हमें देखने को मिला है इस पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूँ। इस हफ्ते में हमने देखा था लहसुन करीबन 11.5 हज़ार पहुँच चुका था, वापस से जैसे ही रिवर्स हुआ, और अभी जो लहसुन की स्थिति है वो है 50 रुपये कट्टे से लगा के 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से देसी लहसुन बिक रही है। हमारी जो पुरानी है वो 500 रुपये से लगा के 4500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमारी नई देसी लहसुन बिक रही है। नई ओटी लहसुन की अगर बात करें तो 3000 रुपये से लगा के 6000 रुपये, 6500 रुपये का पूरी मंडी में सिर्फ एक लॉट बिका है आज। मंदसौर मंडी की अगर मैं बात करूँ तो मंदसौर मंडी में ओटी लहसुन ऊपर में टॉप क्वालिटी लहसुन थी जो बिकी 7300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सिर्फ एक लॉट, बाकी पूरी ऊटी लहसुन 4000 रुपये से लगा के 6000 साढ़े 6000 के अंदर अंदर है। अब चलते हैं हम हमारी जो इम्पोर्टेंसी है मेन प्याज। प्याज की बात करेंगे हम। प्याज में आज इंदौर मंडी में रिकॉर्ड तोड़ यानी कि जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली है हमें। पता नहीं इतनी तेज़ी कैसे आ गई प्याज में। जितनी ज़्यादा आवक बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उसका एक मेन बड़ा कारण हो सकता है कि महाराष्ट्र में प्याज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और मध्य प्रदेश का जो प्याज है आपने देखा होगा जो राखी पे, जो हम जर्मिनेशन करते हैं राखी के दिन, राखी के एक दिन ही पहले या एक दिन बाद में हम हमारी जो नर्सरी तैयार करते हैं जर्मिनेशन का, मुझे थोड़ा सा जर्मिनेशन का मतलब यही होता है कि हम हमारा जो कण है, बीज है, उसको जर्मिनेशन करने के उसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं वो राखी पे करते हैं। वो जो राखी पे जो जर्मिनेशन करके जो नर्सरी तैयार करते हैं, वो जो नर्सरी जो होती है, वो जो प्याज हम लगाते हैं 2 महीने बाद प्याज लगाते हैं, और वो प्याज इसी टाइम फरवरी के महीने में निकल कर आता है मध्य प्रदेश का। तो इसी कारण से प्याज में आवक बढ़ी है। जहाँ शाहजहाँपुर मंडी में 3000-5000 कट्टे आ रहे थे, वहाँ आज प्याज के करीबन 18 से 20 हज़ार कट्टे हैं शाहजहाँपुर मंडी में। छोटी सी मंडी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बाकी सभी मंडियों से बड़ी है, सिर्फ इंदौर को छोड़ के बाकी फिर भी छोटी है। बात करते हैं इंदौर मंडी की, जहाँ 12000-15000-20000 कट्टे आ रहे थे प्याज के, वहीं 34000-35000 कट्टे आज देखने को मिले हैं इंदौर मंडी में हमें प्याज के। और प्याज में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली है मेरे किसान भाइयों। देख लेते हैं क्या है तेज़ी। 50 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन बिका है। 500 रुपये से लगा के 1300-1400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टी बिकी है। 1400 रुपये से लगा के 1800 रुपये के हिसाब से गोल्टा प्याज बिका है। 1800 रुपये से लगा के 2200-2500 रुपये तक किसान मित्रों हमारा बेस्ट क्वालिटी का जो लड्डू प्याज होता है वो बिका है। और 2000 रुपये से लगा के 2700-2800 रुपये तक हमारा किसान मित्रों मध्य प्रदेश का प्याज आज बिका है। जो बेस्ट क्वालिटी का प्याज होता है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज होता है मध्य प्रदेश का, वो बिका है 2800 रुपये तक।
महाराष्ट्र और चांदवाड़ साइड का जो प्याज है जो इंदौर मंडी में आ रहा है बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है, उसका जो आज का रेट निकल कर आया है वो रिकॉर्ड तोड़े 2500 रुपये से लगा के 3000 रुपये, 2500 रुपये से लगा के 3000 रुपये का रेट निकल कर आया है। 40 mm से 70 mm का जो प्याज होता है उसका रेट मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो 50 से 70 mm का ही रेट बता रहा हूँ 2500 से 3000। किसान मित्रों, ये जो प्याज है ये सब एक्सपोर्ट होता है, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ जहाँ से मांग निकल कर आती हैं उन सभी गल्फ़ कंट्रियों में हमारा जो इंदौर का जो प्याज होता है, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र चांदवाड़ साइड का जितना भी प्याज इंदौर मंडी में आता है ये सभी यहाँ से जितनी भी गल्फ़ कंट्रियों में मांग निकल कर आती है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे नेपाल हो गया, हमारा भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, इसके बाद में दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं उन सभीों में ये हमारा जो प्याज है ये एक्सपोर्ट होता है। तो जो महाराष्ट्र और चांदवाड़ साइड का जो प्याज है वो 2500 रुपये से लगा के 3000 रुपये का रेट निकला है उसका, और एक लॉट किसान मित्रों पूरी मंडी में एक लॉट 3250 रुपये के रेट का बिका है। किसान मित्रों पूरी मंडी में एक लॉट 3250 रुपये का बिका है और एक लॉट 3200 रुपये का बिका है पूरी मंडी में। किसान मित्रों तो बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे किसान जो प्याज किसान भाई हैं उनके लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आज कहीं ना कहीं प्याज में 500 से 600 रुपये की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सभी भाइयों से निवेदन है इस वीडियो में अगर कहीं ना कहीं जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं कर रहे हैं और इस लाइक के कारण हमारी जो है रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है मार्केट में कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें बिल्कुल भी लाइक नहीं आते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भर के लाइक कर दीजिए, इस बार कम से कम 10,000 लाइक टारगेट है, व्यू टारगेट है 1 लाख और लाइक टारगेट है 10,000। अब आपको पूरा करना है, आप कैसे करें मुझे नहीं मालूम। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट तो 100% करना है आपको, 1000 कमेंट तो आने ही आने चाहिए और लाइक 10,000, व्यू 1 लाख इस वीडियो में। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसान मित्रों कल सुबह 8:30 पे इंदौर मंडी का वीडियो लेकर, धन्यवाद।